हे hey, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं ट्रे की और आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टिक्की टेक। और आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों के लिए ऐसे तीन यूनिक अपडेट्स लाया हूं जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और काफ़ी अच्छे अपडेट्स हैं। और इन अपडेट्स के बारे में गाइस आप सभी लोगों को आज से पहले किसी और ने नहीं बताया होगा। और इन अपडेट्स को जान करके आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फील होने वाला है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलने वाली है कि इन अपडेट्स को WCC2 के 2018 अपडेट में ऐड किया जाना है। तो अपडेट्स को के लिए गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले गाइस आप सभी लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो पर गाइस मुझे कम से कम गाइस 300 लाइक तो चाहिए ही, तो 300 लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी लोगों को WCC2 के 2018 अपडेट में एक फीचर मिलने वाला है जिसकी WCC2 में बहुत ही ज़्यादा कमी थी और आप सभी लोगों को भी लगती होगी इस चीज़ की कमी। तो ये फीचर है अंपायर एडिटिंग फीचर। फॉर एग्जांपल गाइस आप सभी लोगों को अभी WCC2 में एक ही अंपायर मिलते हैं जिन्होंने रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी होती है। लेकिन आप सभी लोगों को WCC2 के नेक्स्ट अपडेट में, जैसा कि आप सभी लोग अभी प्लेयर की एडिटिंग कर पाते हैं, वैसे ही नेक्स्ट अपडेट में आप सभी लोग अंपायर की एडिटिंग भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल का हिसाब, अगर उनके शूज़ बदलना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं और उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आप जैसा कि गाइस इमेज में देख सकते हैं, तो बिल्कुल इसी की तरीके से गाइस आप सभी लोग अंपायर की एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा औसम है और काफ़ी बेहतरीन फीचर है। इस फीचर के बारे में आप सभी लोगों को क्या राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो गाइस जो दूसरा फीचर वो गाइस काफ़ी ज़्यादा औसम और काफ़ी अमेजिंग फीचर तो है ही, लेकिन इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ये फीचर आप सभी लोगों को WCC2 के नेक्स्ट अपडेट में मिलने ही वाला है। और इस फीचर का नाम है स्टेडियम एडिटिंग फीचर। फॉर एग्जांपल गाइस आप सभी लोग WCC2 में अभी आप प्लेयर्स की एडिटिंग कर सकते हो, तो हो सकता है कि WCC2 के नेक्स्ट अपडेट में आप अपने स्टेडियम की एडिटिंग भी कर पाओ। यानी कि आप अगर स्टेडियम की लंबाई चौड़ाई या आपकी ऑडियंस को कहाँ बैठाना है या अगर बाहर की तरफ आप कोई माउंटेन या लगाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप सभी लोग WCC2 के नेक्स्ट अपडेट में स्टेडियम की एडिटिंग भी कर सकें। और ये फीचर के बारे में बिल्कुल भी 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है 50-50 चांसेस है कि ये फीचर आप सभी लोगों को WCC2 के नेक्स्ट अपडेट में मिल जाए। और अगर ये फीचर आप सभी लोगों को इस बार नहीं मिलता है तो WCC2 का जो अगला बिग अपडेट आएगा उसमें डेफिनेटली आप सभी लोगों को स्टेडियम एडिटिंग का फीचर मिलने ही वाला है। और गाइस जो हमारा तीसरा फीचर होगा इस काफ़ी ज़्यादा औसम और काफ़ी बेहतरीन फीचर है और इस फीचर का इंतज़ार आप सभी लोग बहुत देर से और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस फीचर का नाम है लाइव ऑडियंस फीचर। फॉर एग्जांपल गाइस आप सभी लोग WCC2 में अगर अभी चौके छक्के लगाते हो तो आपकी जो बॉल है वो आपकी ऑडियंस के बीच में जाती है, तो वहाँ पर आप सभी लोगों को कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। यानी कि गाइस जो आपकी ऑडियंस है वो आपके लिए ना ही चीयर अप करती है, ना ही आपके लिए तालियाँ बजाती है, ना ही कोई सेलिब्रेशन करती है। बस आप सभी लोगों को ऑडियंस की एक्सपीरियंस के नाम पर पे एक ऐसा दिखा दिया जाता है जैसा लगता है कि पोस्टर चिपका दिया और बैकग्राउंड में एक चेयर अप की म्यूजिक बजा दी। तो यही आप सभी लोगों को WCC2 में अभी ऑडियंस का फीचर मिलता है, लेकिन निराश होने की गाइस बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को WCC2 के नेक्स्ट अपडेट में लाइव ऑडियंस का फीचर मिलने वाला है। और इस फीचर में गाइस आप अगर चौके छक्के लगाते हो या आप अगर 50 लगाते हो या अगर आप सेंचुरी लगाते हो तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपको लिए चेयर अप करेगी, आपके लिए तालियाँ बजाएंगी और आपके नाम के पोस्टर्स को लेकर के उछालेगी और आपको चीयर अप करेगी। तो काफ़ी अच्छा फीचर है गाइस और ये सबसे औसम फीचर है। तो और ये फीचर आप सभी लोगों को डेफिनेटली ज़रूर पसंद आया होगा और ये फीचर आप सभी लोगों को डेफिनेटली WCC2 के नेक्स्ट अपडेट में मिलने वाला है। और गाइस आप सभी लोगों की इस फीचर के बारे में क्या राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही गाइस आप सभी लोगों को आज की हमारी ये वीडियो और ये अपडेट्स पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो प्लीज़ से प्लीज़ गाइस 300 लाइक तो कर ही दीजिएगा। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर ना किया हो तो इस वीडियो को वहाँ तक भी शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ गाइस आप सभी लोगों को एक नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।